Welcome back, student. In the last class, we discussed about the Aurelia. So this is the structure of Aurelia, जिसको हम jellyfish भी कहते हैं. तो इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है. Now next point is nidocytes. Nidocytes, fifth point है. These are highly specialized stinging cells, जो कि मैंने आपको डिस्कस किया. और ये खास तरीके की जो सेल्स हैं वो स्टिंगिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और ये स्टिंगिंग कैप्सूल के अंदर पाई जाती हैं. ठीक है. एंड दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जिसको हम हिप्नोटॉक्सिक केमिकल्स कहते हैं. देयर सेल्स आर मेंट फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड प्रे कैप्चरिंग. ये तीन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाते हैं. एंकरेज यानी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म, और अपने शिकार को कैच करने के लिए. इन तीनों में नीडोसाइट सेल्स का इस्तेमाल होता है. सो एक डायग्राम बना लेते हैं नीडोसाइट सेल्स का भी. नीडोसाइट सेल्स ये इस तरह से होते हैं कुछ. एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये अरेंज होते हैं. So this is the structure of nidoblast cell or stinging cell. ये किस तरह से पाया जाता है. जैसे ही कोई external material या external bodies के संपर्क में आता है, ये blast हो जाता है और ये spine बाहर निकलता है और prey को sting कर देता है. So this mechanism helps in the three process. One by one लिख लीजिए. First है anchorage. एंकरेज. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू डिफेंस. डिफेंस एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ नीडोसाइट सेल इज प्रे कैप्चरिंग. प्रे कैप्चरिंग ये तीन मेन फंक्शन होते हैं नीडोसाइट सेल्स के. राइट. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, सिलेंट्रॉन. सिलेंट्रॉन जिसको हम सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के नाम से जानते हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल की तरह काम करता है. राइट. और यहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग पाई जाती है जिसको हम हाइपोस्टोम कहते हैं या फिर माउथ कहते हैं. तो हेडिंग डाल दीजिए सिलेंट्रॉन. हेडिंग डाल दीजिए सिलेंट्रॉन. सिलेंट्रॉन इज द सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. इट इज काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि
सिलेंट्रेटा में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है और ये कहाँ पर होता है, सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर। सेंट्रल गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यहाँ पर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ सिंगल ओपनिंग व्हिच इज नोन एज माउथ। माउथ को हम क्या कहते हैं, यहां पर हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम और माउथ। इट इज अ सिंगल ओपनिंग ये सिंगल ओपनिंग है जो अपर रीजन में पाई जाती है, जिसको हम हाइपोस्टोम या फिर माउथ कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, स्केलेटन। स्केलेटन कैसा पाया जाता है सिलेंट्रेटा में, तो सब मेंबर्स ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा एंड मेनली द मेंबर्स ऑफ क्लास एंथोजोआ, यानी सिलेंट्रेटा के स्पेशल जो क्लासेस हैं उसमें एंथोजोआ में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरल। कोरल रीफ का नाम आपने सुना होगा, तो कोरल के फॉर्मेशन में इनका एक्सोस्केलेटन काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो लिख लीजिए स्केलेटन में, क्लास एंथोजोआ, क्लास एंथोजोआ हैव अ एक्सटर्नल स्केलेटन व्हिच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड दीज एक्सोस्केलेटन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ या रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ के फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है कोरेलियम। एग्जाम्पल कोरेलियम, और इसको हम रेड कोरल भी कहते हैं, राइट। सो इन दिस वे वी डू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, खासतौर से एक्सोस्केलेटन इन द क्लास एंथोजोआ, राइट। और कोरल रीफ का फॉर्मेशन इस क्लास के मेंबर्स के थ्रू होता है और उसका एग्जांपल है कोरेलियम। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा अगर शेप्स पाए जाते हैं उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो सिलेंट्रेटा में देखा गया है कि पॉलीमॉर्फिक स्टेज पाई जाती है, सब मेंबर्स आर इज लाइक पॉलीफॉर्म एंड सब मेंबर्स आर फाउंड इन द मेड्यूसा फॉर्म, राइट। तो पॉलीमॉर्फिज्म में लिख लीजिए हेडिंग पॉली मॉर्फिज्म। ये दो तरीके की पाई जाती है, पॉलीफॉर्म और दूसरा मेड्यूसा फॉर्म, राइट। पॉलीफॉर्म में क्या होता है,
Some members of this phylum, Sedentata, exhibit in the polyform, and the polyform is a asexual form. ठीक है, तो polyform में पाए जाने वाले जो members हैं वो asexual life cycle निकालते हैं, व्यतीत करते हैं. ठीक है, और ये cylindrical fashion में पाए जाते हैं या cylindrical form में होते हैं. तो आप ये कह सकते हैं कि जो poly condition है वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को प्रीफर करती है. ठीक है, इसमें लिख लीजिए सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कैसे पाए जाते हैं. तो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है हाइड्रा एंड एडेम्सिया. ये दो बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल हैं असेक्सुअल या पॉलिप मोड में. एग्जांपल हाइड्रा वेल नोन एग्जांपल है, एडेम्सिया ये ज़्यादातर पॉलिप फॉर्म में ही देखे जाते हैं. दूसरा आता है मेड्यूसा फॉर्म. मेड्यूसा फॉर्म में इट इज़ सेमी सर्कुलर फैशन में पाए जाते हैं और ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें नॉर्मली पाया जाता है. सो मेड्यूसा फॉर्म इज अ अम्ब्रेला शेप्ड फ्री स्विमिंग एंड सेक्सुअल फॉर्म. लिख लिए इट इज अम्ब्रेला शेप्ड अम्ब्रेला शेप्ड फ्री स्विमिंग एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फॉर्म्ड. यहाँ पर फ्री स्विमिंग है और जो पॉलीफॉर्म में है वो स्टेशनरी होते हैं. ठीक है, उनमें मोशन नहीं पाया जाता. सॉरी, मोशन तो पाया जाता है. कुछ स्पीसीज है जो स्टेशनरी होते हैं, लेकिन हाइड्रा में मोशन पाया जाता है. इसके एग्जांपल्स हैं ऑरेलिया, जिसको हम जेलीफिश भी कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म केस. नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए मेटाजेंसिस. मेटाजेंसिस का मतलब क्या होता है? मेटाजेंसिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. क्योंकि यहाँ पर दो फॉर्मेट आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं, एक सेक्सुअल दूसरा असेक्सुअल, तो इसी को हम मेटाजेनेसिस प्रोसेस भी कहते हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए मेटाजेनेसिस. मेटाजेनेसिस सो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट मेटाजेनेसिस में क्या होते हैं. इट शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इट शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. फॉर एग्जाम्पल असेक्सुअल पॉलिप एंड सेक्सुअल मेड्यूसा. तो एक तरह से अल्टरनेशन ही शो कर रहा है, जिसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस पाई जाती है वो मेड्यूसा फॉर्म में पाई जाती है, जो असेक्सुअल पाया जाता है वो पॉलिप फॉर्म में पाया जाता है. सो इट इज़ नॉर्मली known as metagenesis process. Next heading डाल देते हैं sexuality. Sexuality में कुछ members हैं जो unisexual form में पाए जाते हैं और ज़्यादातर hermaphrodite होते हैं. तो लिख लीजिए mostly hermaphrodite. Some
unisexual. Example, Hydra. ठीक है, ज्यादातर हर्माफ्रोडाइट होते हैं. हर्माफ्रोडाइट का मतलब दे हैव बोथ द सेक्सेस, यानी बाइसेक्सुअल. नाउ लुक एट द गैमेटोजेंसिस. हेडिंग डाल दीजिए गैमेटोजेंसिस. गैमेटोजेंसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स या गैमेट्स. एंड यहाँ पर जो गैमेटोजेंसिस की प्रोसेस है वो इंटेस्टिशियल सेल्स में पाई जाती है, और इसमें मियोसिस प्रोसेस के थ्रू गैमेटोजेंसिस पाई जाती है. तो लिख लीजिए गैमेटोजेंसिस प्रोसेस अकर्स इन द इंटेस्टिशियल सेल्स. इंटेस्टिशियल cells through the meiosis process. Meiosis process का मतलब होता है reductional division. यानी अगर gametogenesis की process हो रही है sex cells में, तो 2N condition से यह reduce होकर एन कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है. तो मियोसिस प्रोसेस में एक मदर सेल से फोर डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, और जो चारों डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हमेशा एन पाए जाते हैं. इसी को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन या फिर मियोसिस प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एज यू नो कि यहाँ पर गैमेटोजेंसिस प्रोसेस होती है, और ये हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, बट इनमें पाई जाती है प्रोटैंड्रस कंडीशन. प्रोटैंड्रस का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल दोनों ही सेक्सुअल आर्गन एक साथ डेवलप नहीं होते, और इसी वजह से ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं. यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में एन अदर एनी मल की रिक्वायरमेंट होती है, ये सेल्फ पॉसिबल नहीं होता. लिख लीजिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिकॉज ऑफ प्रोटैंड्रस कंडीशन. इसलिए यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है. राइट, नेक्स्ट आते हैं कि क्लीवेज कैसा होता है, यानी जायगोट के फॉर्मेशन के बाद जो क्लीवेज प्रोसेस है एम्ब्रियो फॉर्मेशन या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए वो कैसा पाया जाता है. तो क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल. क्लीवेज लिख लीजिए होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल. ब्लास्टिक एंड अनइक्वल. नेक्स्ट, अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस कैसे पाई जाती है, यानी ये डायरेक्ट होती है या इनडायरेक्ट. तो यहां पर भी लार्वल स्टेज पाई जाती है. इसका मतलब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होती है. तो इसमें लार्वल कंडीशन पाई जाती है. तो लार्वा में कौन कौन से लार्वा आते हैं, हाइड्रुला, प्लैनुला, इफारिया, ये सभी लार्वा पाए जाते हैं इस फाइलम के मेंबर्स में. तो हेडिंग डाल दीजिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट.
embryonic development is indirect. Means larval stage found and look at the larva. ठीक है, कौन कौन से larva पाए जाते हैं, तो आप one by one लिख लीजिए larva. तो first larva है जिसका नाम है hydrula. दूसरे हाइड्रा का नाम है दूसरे लार्वा का नाम है प्लैनुला. पूछे जाते हैं प्लैनुला, और इसके बाद आता है इफायरा. ठीक है, ये तीन ही तरह के लार्वे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं. इस फाइलम में यही पाए जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इंडायरेक्ट पाया जाता है, और यहाँ पर लार्वल स्टेज पाया जाता है, और ये तीन तरीके के लार्वे कॉमनली पाए जाते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेंट्रेटा. नाउ वी आर गोइंग टू पुट डाउन सर्टेन सिलेंट्रेटा ऑर्गेनिज्म एंड देयर कॉमन नेम, जो काफ़ी पॉपुलर है. तो हेडिंग डाल दीजिए Cylentrata organism and its common name. Cylentrata organism and its common name. So first है जिसको हम कहते हैं हाइड्रा. हाइड्रा को नॉर्मली वाटर डेविल भी कहते हैं. हाइड्रा वाटर डेविल यानी पानी का शैतान, राइट. इसके बाद आता है फाइसेलिया. फाइसेलिया को नॉर्मली कहा जाता है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर. जो पुर्तगाली थे उनकी जो हैट, उनकी जो टोपी हुआ करती थी, उस शेप में ये फाइसिलिया पाया जाता है, इसलिए पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से जानते हैं. दूसरा एग्जांपल है एडेम्सिया. एडेम्सिया को कॉमनली कहते हैं सी एनिमोन. राइट, नेक्स्ट आता है पेनिनचुला. नाम से ही पता चल रहा है पेनिनचुला को हम सी पेन कहते हैं. नेक्स्ट आता है गॉर्गोनिया. इसको नॉर्मली सी फैन के नाम से जानते हैं, फैन. नेक्स्ट दो तीन नाम और बता देता हूं. फॉर एग्जांपल मेंडेरिया एक एग्जांपल है. जस्ट अ मोमेंट, इसको क्लीन कर लेते हैं. मेन ड्रीना. मेन ड्रीना को हम ब्रेन कोरल कहते हैं. इसका स्ट्रक्चर कुछ ब्रेन जैसा दिखाई पड़ता है, ह्यूमन ब्रेन, तो इसे हम ब्रेन कोरल कहते हैं, राइट. इसके बाद लास्ट आता है कोरेलियम, जिसको आप रेड कोरल के नाम से जानते हैं, कोरेलियम.
इसको हम रेड कोरल कहते हैं। रेड कोरल या कोरल को पहले नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता था, बट जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट के सिक्रीशन या एक्सोस्केलेटन इन सिलेंट्रेटा मेंबर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, तो धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया कि रेड कोरल या कोरल का फॉर्मेशन सिलेंट्रेटा के मेंबर्स के थ्रू होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम सिलेंट्रेटा। ओके।